अगली खबर के रुख करते हैं जो बांदी हुई सारी है, जहां पर छात्र संघ चुनाव जोरों शोरों पर चल रहा है और इसी को लेकर के कल वोटिंग की जाएगी और पुलिस प्रशासन अभी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के अंदर जुटा हुआ है। दिखाते हैं इस पर स्पेशल रिपोर्ट। बांदीकुई में छात्र संघ चुनाव जोरों शोरों पर है। छात्र संघ चुनाव पर अब परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चुनाव की व्यवस्था में कॉलेज प्रशासन भी पूर्ण तैयारी में है। पुलिस प्रशासन भी स्वर्गीय राजेश पायलट महाविद्यालय बांदीकुई पर पूर्णतः चाक चौबंद नजर आ रहा है। कॉलेज परिसर में अनावश्यक लोगों की एंट्री पूर्णतः निषेध है। प्रत्याशी भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है आप सभी को सुनवाते हैं। मैं शीतल बेहरा राजेश पायलट कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे जो कॉलेज की हम बाहर की जहाँ भी लड़कियाँ हैं उनको सपोर्ट मिले, वो भी कुछ करने के लिए आगे बढ़े। और अपने ये जो विद्यालय ये महाविद्यालय में राजेश पायलट कॉलेज में बहुत सी कमियाँ हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर खेलकूद का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक तो PTI की कमी है सबसे बड़ी चीज़ तो, और दूसरी यहाँ पर कोई पार्क नहीं है ताकि मतलब बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जा सके। जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, बट बहुत से लोग मतलब अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे अधिकतर आजकल मतलब अपने आगे जो बढ़ रहा है वो स्पोर्ट्स लेवल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ हमारे कॉलेज का भी नाम हो आगे स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। मैं तो यही चाहती हूँ। और जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं कि हमारी क्लासेज नहीं लग रही है, मैं तो ये टीचरों से यही समर्थन करती हूँ कि भाई सबकी क्लासेज लगी जाए ताकि अपना भी कॉलेज आगे जाके भाई सब ऐसे बोलते भाई राजेश पायलट में पढ़ाई नहीं चलती। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कोई ना बोले और सब लोग मतलब टीचर वगैरह सब चीज़ समर्थन करें हमारा। और अध्यक्ष पद के लिए मेरा कहना है कि मैं कॉलेज के मुद्दों को लेकर खड़ा हूँ, छात्र हितों के लिए खड़ा हूँ। और छात्र हित में यहाँ पे एक तो बाहर से स्टूडेंट आते हैं बिना आईडी कार्ड आते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है उनके लिए, कोई सुरक्षा नहीं है। बाहर से लड़कियाँ आती हैं उनके लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरी के पद खाली हैं, PTI के पद खाली हैं, प्रोफेसर टाइम पे कई पद प्रोफेसरों के खाली हैं। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महाविद्यालय प्राचार्य से भी और जो भी मेरे आवास में उसके लिए भी पहले तो स्टूडेंट सबसे बड़ी क्लास लेते हैं तो उसके लिए प्रोफेसर होना ज़रूरी है। और प्रोफेसर के लिए अलग से बनाइए जिससे क्लास नियमित लगे, क्लास भी नियमित लगती है। दूर दराज से स्टूडेंट आते हैं वो अपनी क्लास नहीं ले पाते और एक दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट के लिए मे आई एडप्टिव कोई व्यवस्था नहीं है मे आई, उसके लिए भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कॉलेज प्रशासन से भी कॉलेज महाविद्यालय से भी कि उनकी व्यवस्थाओं को पूरी करें और खेल विभाग की व्यवस्था करें, PTI की व्यवस्था करें, खेल विभाग यहाँ पर साफ सुथरा हो और लड़के के लिए भी व्यवस्था हो। हम खड़े हैं राजकीय सर्वीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। हमारे साथ है ABBP की प्रत्याशी कविता सैनी। नमस्कार, मेरा नाम कविता सैनी है। मैं राजेश पायलट कॉलेज महाविद्यालय बांदीकुई से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे को ABBP ने टिकट दिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाकी मैं यहाँ पे जो लड़कियों की जितनी भी कमियाँ उनको अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश करूँगी। लड़कियों के अलावा जो भी सभी छात्रों की जितनी भी कमियाँ उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। महाविद्यालय में जो भी असुविधा होती है यहाँ से जो बाहर के लोग एंट्री करके उनको यहाँ पे अव्यवस्था करते हैं उन सब के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं हमेशा आगे आकर उसके लिए मेहनत करूंगी। बस धन्यवाद। फिलहाल देश में तमाम बड़ी खबरों के लिए तभी बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।